और आपको बता दें कि आज की हमारी न्यूज को देखकर आपका खून खौलने वाला है। और हम जानते हैं कि न्यूज को देखने के बाद हमें आपको ये नहीं बोलना होगा कि इसे शेयर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज आप इसे खुद से शेयर करने वाले हैं। वैसे न्यूज तो आप देख ही लेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताएं कि मोदी के अलावा ऐसा कौन सा नेता देश में है जो 3 साल में बिना किसी वाहवाही के देश को 130 से 100वें पायदान पर खिसका दे। खैर, आज की हमारी न्यूज मोदी प्रशंसकों के लिए नहीं, बल्कि मोदी को, जो मोदी का मजाक उड़ाते हैं, उनकी नाकाम कोशिश करने वालों के लिए है। आज आप अपना भूतकाल देखेंगे, जिसको देखकर और सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी और पता चलेगा कि हम मुसलमानों की इतनी बुराई क्यों करते हैं और क्यों मोदी फैसलों का गुणगान करते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। इस न्यूज को देखने से पहले शेयर का बटन दबा दो, वरना जमाना देशद्रोही घोषित कर देगा। मैसेज में लिखा है, मूर्ख मत बनो, तुमको मोदी के रूप में एक हिंदू प्रधानमंत्री मिला है, उसको काम करने दो, उंगली मत करो। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हिंदू नहीं वो गद्दार है जिसको मोदी स्वीकार नहीं। मुगलों, चंगेजों, तुर्कों आदि ने हमारे हिंदू पूर्वजों पर सिर्फ अत्याचार ही किए हैं। मैं नहीं भूला उस काम पिशाचु अलाउद्दीन को, जिससे अपने सतीत्व को बचाने के लिए रानी पद्मामिनी ने 14,000 स्त्रियों के साथ जलते हुए अग्निकुंड में आहुति दे दी। मैं नहीं भूला उस जालिम औरंगजेब को, जिसने संभाजी महाराज को इस्लाम स्वीकारने से मना करने पर तड़पा तड़पा कर मारा था। मैं नहीं भूला टीपू सुल्तान को, जिसने एक एक दिन में लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया। मैं नहीं भूला उस जल्लाद शाहजहां को, जिसने 14 वर्ष की एक ब्राह्मण बालिका के साथ अपने महल में जबरन बलात्कार किया था। मैं नहीं भूला उस बर्बर बाबर को, जिसने मेरे श्री राम प्रभु का मंदिर तोड़ा और लाखों निर्दोष हिंदुओं का कत्ल किया था। मैसेज में आगे लिखा है, मैं नहीं भूला उस शैतान सिकंदर लोदी को, जिसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की माँ दुर्गा की मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया था। मैं नहीं भूला उस धूर्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, जिसने संयोगिता को इस्लाम कबूल ना करने पर नग्न कर मुगल सैनिकों के सामने फेंक दिया था। मैं नहीं भूला उस निर्दयी वजीर खान को, जिसने गुरु गोविंद सिंह के दोनों मासूम फतेह सिंह और जोरावर को मात्र 7 साल और 5 वर्ष की उम्र में इस्लाम ना मानने पर दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। मैं नहीं भूला उस जिहादी वजीर खान को, जिसने बंदा बैरागी की चमड़ी को गर्म लोहे की सलाखों से तब तक जलाया जब तक उसकी हड्डियां ना दिखने लगी, मगर उस बंदा बैरागी ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। मैं नहीं भूला उस कसाई औरंगजेब को, जिसने पहले संभाजी महाराज की आंखों में गर्म लोहे की सरिये घुसाए, बाद में उन्हीं गर्म सरियों से पूरे शरीर की चमड़ी उधेड़ी, फिर भी संभाजी ने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। मैं नहीं भूला उस नापाक अकबर को, जिसने हेमू के 72 वर्षीय स्वाभिमानी बुजुर्ग पिता के इस्लाम कबूल ना करने पर उसके सिर को धड़ से अलग करवा दिया था। मैं नहीं भूला उस वहशी दरिंदे औरंगजेब को, जिसने धर्मवीर भाई मतीदास के इस्लाम कबूल न करने पर बीच चौराहे पर आरे से कटवा दिया था। हम हिंदुओं पर हुए अत्याचारों को बताने के लिए शब्द और पन्ने कम हैं। यदि इस पोस्ट को पढ़कर मेरी तरह आपका खून भी खोला हो तो पोस्ट को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। ये हो सकता है कि कुछ नामर्द हिंदू इसे शेयर भी ना करें। ये वो शब्द हैं जो इस स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं और आपको जानना बेहद जरूरी था। तो इस न्यूज को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो एडिटर पुष्पा चौधरी के साथ निखिल वर्मा, ओनली न्यूज 24x7 टीम, दिल्ली। तो देखा आपने, हिंदुओं के साथ आज तक सिर्फ अत्याचार ही हुए हैं। अब अगर अत्याचार के खिलाफ आवाज भी ना उठाई तो गूंगे घोषित कर दिए जाओगे। तो अब इस न्यूज को शेयर जरूर करो, क्योंकि पूरे देश को पता लगे कि आखिर मोदी अच्छे हैं या वो मुगल अच्छे थे। तो न्यूज को अभी शेयर करें और बने रहें।